हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। बॉलीवुड जगत में इस वक्त हर जगह यही बात हो रही है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स को बॉयकॉट किया जाए। इस बार लोगों को ये बात स्पष्ट नहीं रही कि आखिर कैसे अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल सकता है, कैसे तेरी मिट्टी जैसे बेहतरीन गीत को छोड़कर अपना टाइम आएगा गाने के लिरिक्स को लोग पसंद कर सकते हैं और कैसे उसे बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिल सकता है। यही कुछ रीजंस है कि हाल ही में ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट फिल्म फेयर अवार्ड ट्रेंड कर रहा है। वहीं दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स आपने देखे होंगे जो अवार्ड फंक्शंस में शिरकत भी करते हैं, परफॉर्मेंस भी करते नजर आते हैं। सलमान और शाहरुख जब भी अवार्ड फंक्शंस में आते हैं, लोगों की निगाहें उन पर ही टिक जाती है। लेकिन बॉलीवुड के किंग खान और बॉलीवुड के दबंग खान तो जहां मैक्सिमम अवार्ड फंक्शंस का हिस्सा बनते नजर आते हैं, लेकिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान किसी भी अवार्ड फंक्शंस में नहीं दिखाई देते। उनके अवार्ड फंक्शंस में न आने के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ का कहना है कि आमिर को अवार्ड्स में आना अच्छा नहीं लगता। कुछ का कहना होता है कि आमिर को ऐसा लगता है कि अवार्ड से बड़ा जनता का प्यार होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको असली वजह बताने वाली हूँ, आखिर क्यों आमिर खान नहीं जाते अवार्ड फंक्शंस में। आखिर क्या है आमिर खान को अवार्ड फंक्शंस में जाने से प्रॉब्लम। दरअसल ये किस्सा है 1992 का। ऐसा कहा जाता है कि इस साल के बाद से ही आमिर ने अवार्ड फंक्शंस से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कर लिया था। आपको बता दें, इस साल बॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें अनिल कपूर की बेटा, अमिताभ बच्चन की शहंशाह और आमिर खान की जो जीता वही सिकंदर थी। इन तीनों ही फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया था, लेकिन इनमें से अवार्ड किसे मिलता ये जानने के लिए हर कोई बेताब था। आमिर को लगा था कि उन्हें ये अवार्ड मिलेगा क्योंकि जनता ने उनके काम को खूब सराहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म फेयर ने फिल्म बेटा के लिए अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया। इसके बाद आमिर खान की बैक टू बैक हिट फिल्में आई हम है राही प्यार के और रंगीला। दोनों ही फिल्में जनता का दिल जीतने में कामयाब हुई, लेकिन फिल्म फेयर से लेकर आईफा तक आमिर खान को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। इसके बजाय उन्हीं सालों में बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। यही वजह बताई जाती है कि आमिर खान ने ठान लिया था कि अब वो किसी भी अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाएंगे। आपको बता दें, आमिर खान किसी प्राइवेट फंक्शंस में नहीं जाते, लेकिन अगर नेशनल अवार्ड जैसा अवार्ड हो तो वो जरूर शामिल होते हैं। वैसे जो भी हो, आमिर खान भले ही अवार्ड शो से किनारा करते हो, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीतते आए हैं और हमेशा जीतते रहेंगे। गाइज, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।